तीन सालों से काम रुका हुआ था एंड इस प्रैक्टिस को करने के बाद तुरंत इनके सारे काम बन गए। हाय एवरीवन, मैं हूँ अपूर्वा एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज जिस टॉपिक की मैं बात करने वाली हूँ, मैं बात करने वाली हूँ हाउ टू मैनिफेस्ट योर SP विद ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टेशन मेथड। बेसिकली आज जिस कहानी की मैं बात करने वाली हूँ, या फिर कह सकते हैं कि जिनके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ, वो मेरी क्लाइंट रह चुकी हैं एंड आज मुझे उनका वेडिंग इन्विटेशन आया है। वो 3 साल से अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर रही थी, फैमिली नहीं मान रही थी। उन्होंने कंसल्टेशन लिया था मेरे से, उनके चार्ट में सब कुछ सही था, लव मैरिज होना तय था, बट उनके जो थॉट्स थे, उनकी जो वाइब्रेशंस थी, उनका जो ऑब्सेशन था, उनके जो डाउट्स थे, वो उस चीज़ को डीले कर रहे थे। सो एवरीथिंग वॉज फाइन, टैरो में प्रॉपर अच्छी गाइडेंस आ रही थी, एस्ट्रोलॉजिकली भी सब कुछ सही था, बट जस्ट इमेजिन जो चीज़ आपकी किस्मत में है वो भी डीले हो सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ योर थॉट्स, योर नेगेटिव एनर्जी, आपकी वाइब्रेशंस, आपकी ऊर्जा, या आप क्या थॉट प्रोसेस अपने माइंड में स्पेसिफिक चीज़ को लेके रखते हो। सो कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि ये जो हमारी विश है ये बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो हम उस चीज़ में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। पहली चीज़ तो हम सोचते हैं कि बहुत बड़ी है, ये बहुत मुश्किल है, बट लेट मी टेल यू, यूनिवर्स के लिए कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं होता है। हम ब्रह्मांड के आगे कुछ भी नहीं है, एक उसका कण भी नहीं है। तो आप जब ये चीज़ सोचते हो कि ये चीज़ तो बहुत बड़ी है, आपने एक टैग लगा दिया कि यार ये तो बहुत बड़ी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या कर रहे हो उस टैग लगाने के बाद, आप खुद से ऑब्स्टिकल लगा रहे हो वहाँ पे कि ये चीज़ मुश्किल है। पहला पॉइंट आप यूनिवर्स को ये बता रहे हो कि वो चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ है ही नहीं, दूसरा ये कैसे होगी, ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, आपने एक चीज़ सुनी होगी, ये चीज़ मैटर ही नहीं करती है कि वो चीज़ कब आएगी, कैसे आएगी, आपने पॉजिटिव रहना होता है। इनके चार्ट में सब कुछ सही था, सब कुछ प्रॉपर सही जा रहा था, प्रॉब्लम्स आए जा रही थी, कभी कोई नहीं मान रहा है, कभी कुछ इशू आ रहा है, कभी कुछ इशू आ रहा है, ऐसे करते 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 3 साल निकल गए एंड इनका ऑब्सेशन एक अलग लेवल पे था। मैंने इन्हें कुछ प्रैक्टिसेस करने को दी, ऑब्वियसली कुछ मंत्र चैंटिंग, स्विचवर्ड की चैंटिंग करने को मैंने दी, बट मेजरली मैंने इनको कहा कि अपनी एनर्जी सुधारो, अपनी वाइब्रेशंस पे काम करो। जब भी आप बहुत नेगेटिव माइंडसेट में जाते हो, डेस्परेट माइंडसेट में जाते हो, हम कई बार भूल जाते हैं कि यूनिवर्स ने जो हमारे आसपास चीज़ें दी हैं, हम उसके लिए कृतज्ञ नहीं दिखाते हैं, ग्रेटफुलनेस नहीं दिखाते हैं। सो आई सजेस्टेड हर कि आप 100 डेज का ग्रैटिट्यूड चैलेंज लेके देखो। जब आप इस चैलेंज को लेते हो स्टार्टिंग में, तो मैं कहूँगी कि आपको शायद कुछ फील ना भी हो, आप सोचोगे ये चीज़ें मैंने खुद अर्न करी है, खुद मैंने इस चीज़ को बाय किया है, मैं क्यों इसके लिए ग्रेटफुल रहूँ, क्यों। सी, हर एक चीज़ जो भी आपकी लाइफ में है, आपके पास ही हाथ में फ़ोन है, आपका बेड है, या फिर आपका लैम्प है, या फिर आपका कुछ भी आप यू नो अपने रूम में देख पा रहे हो उस टाइम पे, या फिर अपने आसपास सराउंडिंग में देख पा रहे हो, ये हर एक चीज़ जो है ये एक ऊर्जा है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सेकंड चीज़, ये जो चीज़ आपके पास है, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके पास वो चीज़ें भी नहीं हैं, लोग तरसते हैं, ठीक है। कुदरत ने आपको चीज़ें दी हैं, उनके लिए कृतज्ञ दिखाना, ग्रेटफुल एनर्जी देना इज़ अ ब्लेसिंग। अगर आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, बहुत ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, मेरे कहने पे 100 डेज ग्रैटिट्यूड चैलेंज ले लो। उसके बाद आपकी वाइब्रेशंस डिफरेंट होंगी, आपकी एनर्जीज डिफरेंट होंगी, जो आपके काम नहीं बन रहे, जैसे इनके काम नहीं बन रहे थे, वो बनने स्टार्ट हो गए। आई नो 100 डेज एक काफ़ी कह सकते हैं लंबा टाइम है काफ़ी लोगों के लिए, बट अगर आप चाहते हो कि यूनिवर्स आपके लिए मेहनत करे, तो आपको भी एफर्ट्स डालने होंगे, ठीक है। सो ये मत सोचो बहुत काम है, अगर आप इस एनर्जी में हो, अगर आप ये चीज़ सोच भी रहे हो, लेट मी टेल यू, आप उस चीज़ को दिल से मैनिफेस्ट करना चाहते ही नहीं हो। सो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, आपने थोड़े से एफर्ट्स करने हैं, फिर जो आप चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो वो तो आएगी ही आएगी, साथ में आपको और भी अच्छी चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट होंगी। यहाँ आप कुछ अच्छी चीज़ सोचोगे, वहाँ वो चीज़ हो जाएगी, आपका सारा का सारा जो फोकस है वो नेगेटिविटी से हट के पॉजिटिविटी में चला जाएगा, आप एक पॉजिटिव पर्सन बनेंगे, बेहतर इंसान बनेंगे। ये प्रैक्टिस मैनिफेस्टेशन के लिए ही नहीं, आपको एक बेहतर इंसान, पॉजिटिव इंसान बनाने के लिए। अगर आप कभी लाइफ में ब्रूटल से ब्रूटल सिचुएशन में भी आते हैं, बट अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस डेली करते हैं, उस नेगेटिव सिचुएशन में भी आप कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेंगे एंड उस सिचुएशन से आप इजीली निकल पाएंगे। लेट मी टेल यू, मैंने खुद ये चीज़ ट्राई करी है, मैं बहुत सालों से प्रैक्टिस करती आ रही हूँ। एक टाइम था माई मदर वॉज हॉस्पिटलाइज्ड,
हर एक कोई कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें बोल रहा था. मैं ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में हूँ, मैं बहुत टाइम से चीज़ प्रैक्टिस कर रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ. लेट मी टेल यू, लोग क्या बोल रहे थे, मेरे अंदर पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा थी कि लोग क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं या फिर कोई क्या बोल रहा है, मुझे उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था. आई वॉज सो श्योर कि शील बी फाइन, दैट इज़ इट. आई वॉज सो श्योर इन माई माइंड, जो उस टाइम पे एक्शंस लेने ज़रूरी थे वो मैं ले रही थी. बट लेट मी टेल यू, काफ़ी लोग होप हार चुके थे. मैं उस सिचुएशन से बाहर आई थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस. सो अगर ये बहुत बड़े बड़े मैजिक लोगों की लाइफ में कर रहा है तो मैं इससे बिल्कुल हैरान नहीं होंगी, बिकॉज मेरी लाइफ भी इसने बहुत मैजिकल तरीके से चेंज करी है. सो आपने क्या करना है, आपने बस डेली बेसिस पे 11 या फिर 21 या फिर 30 या 31, जो भी आपको इसमें से नंबर पिक करना है आप कर लो. आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, आपकी बॉडी पार्ट्स हैं, आपके फिंगर्स हैं, आपके नेल्स हैं, आपके हेयर हैं, आपकी स्किन है, छोटी छोटी माइनर डिटेल्स को भी आप थैंक यू बोल सकते हो. सो बी ग्रेटफुल अपनी बॉडी के लिए, अपनी स्किन के लिए, अपने हेयर के लिए. काफ़ी लोग तरसते हैं चीज़ों के लिए. सो वो चीज़ अगर आपके पास है, हमारे पास है, हम लोग ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं. तो डेली आपने नई नई चीज़ें लिखनी है, रिपीट नहीं करनी है. पहली चीज़, डेली आपने नई नई 11, 21 या फिर 30 या 31 कोई भी नंबर आप ले लो, बट आपने इस नंबर को फिर फॉलो करना है 100 days तक. आपने डेली नई चीज़ों को बस थैंक यू बोलना है. इनफैक्ट आप विद इन अ मंथ अपनी एनर्जी में बहुत अलग लेवल का एनर्जी शिफ्ट देखोगे. स्टार्टिंग में हो सकता है ग्रेटफुल फील ना भी करो, बट स्टिल आपने उसको प्रैक्टिस करना है, लिखना है. कौन से कलर के पेन से करना है ये चीज़ मैटर ही नहीं करती है, या फिर ब्लू पेन है, रेड पेन है, कुछ भी है यूज़ कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेन चीज़ है आपका भाव. यूनिवर्स को एंड में थैंक यू बोलना कि जो भी आपने मुझे लाइफ दी है, मेरे फ्रेंड्स दिए हैं, मुझे लोग दिए हैं. काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं मेरे पास फ्रेंड्स ही नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं है. स्टिल अगर आप जिंदा हो, आप सांस ले रहे हो, आप हेल्दी इंसान हो, स्टिल ये एक ब्लेसिंग है. सो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो. अगर आपके बहुत सारे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तो ये एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी की तरह काम करेगा, आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस को खोलेगा. आप सुन के भी हैरान होंगे, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारी कुंडली में वो चीज़ नहीं थी, हमने मैनिफेस्ट करी. इनकी कुंडली में वो चीज़ थी बट वो मैनिफेस्ट हो ही नहीं पा रही थी, बट जैसे ही ब्लॉकेजेस हटे. ब्लॉकेजेस क्या है, नेगेटिव एनर्जी है. जैसे ही वो नेगेटिव एनर्जी हटी, जो ये मैनिफेस्ट कर रहे थे वो हो गया. जो लोग नहीं मान रहे थे शादी के लिए वो खुद सामने से आए हैं. ये डेफिनेटली बहुत एक्साइटिंग न्यूज़. वेडिंग कार्ड आया था, ऑब्वियसली मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, काफ़ी खुश हूँ उनके लिए. जैसे ही मुझे इनकी स्टोरी रिटर्न में आती है, मैं उसे ग्रुप पे शेयर करूँगी, अपने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल पे या फिर कम्युनिटी पोस्ट में मैं इसको शेयर कर दूँगी. सो अगर आप भी ऐसा कुछ चैलेंज फेस कर रहे हैं तो संभल जाओ. नेगेटिविटी से आप कुछ भी, अपनी ब्लेसिंग, अपना लक सब ब्लॉक कर लोगे. अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में नेगेटिविटीज किसी भी रीज़न की वजह से ब्लॉकेजेस ना आए, कीप प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड जर्नल. मैं कहूँगी 100 days के बाद भी आप इसे कंटिन्यू करो, बिकॉज ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, इसमें कुछ लॉस नहीं है, आपका सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है. अगर आपने 1% कुछ मैनिफेस्ट भी करना है, उसे आप एडवांस में उस ग्रैटिट्यूड में लिख दो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे ये नया फ़ोन देने के लिए, मेरा इस सो एंड सो कॉलेज में एडमिशन हो चुका है. तो जो भी अगर आप मैनिफेस्ट भी करना चाहते हो तो आप उसको वहाँ पर लिख दो इन एडवांस. इसको हम बोलते हैं हम एडवांस में यूनिवर्स से क्लेम कर रहे हैं, हाँ ये चीज़ मेरी है, थैंक यू यूनिवर्स. आप इसको बीच बीच में ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं, कोई ऐसे इश्यूज नहीं है, बट ट्राई करें फिर भी नई नई चीज़ें लेने का, नई नई विशेस लेने का. जो चीज़ ऑलरेडी है उसको भी थैंक यू बोलना है, जो चीज़ नहीं है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो. ग्रैटिट्यूड जर्नल मैजिकल है एंड ये आप सभी की लाइफ चेंज कर सकता है. सो आई होप आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा और आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आएंगे. एंड आपके जैसे भी फीडबैक होते हैं आप मुझे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में. तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करें. थैंक यू सो मच.